हेलो भाई, JPL इलेक्ट्रिकल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर आपको ओसवाल कंपनी की मोनोब्लॉक आधा एचपी की मोटर है, जो घरेलू यूज में ली जाती है 2800 RPM के अंदर, इसका जो बाहरी डाया है ये वाला, ये 4 इंच का है और जो स्टेटर की लंबाई है वो 4.2 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई है स्टेटर की, ये जो स्टेटर की लंबाई है चार पॉइंट दो सेंटीमीटर है और इसकी जो है चौड़ाई है कागज़ की, ये वाली चौड़ाई ये 2.4 सेंटीमीटर है। इसका जो डाया है वो 7.5 सेंटीमीटर के लगभग खुला है। अब इसका कंप्लीट वाइंडिंग डाटा बता देते हैं आपको, और इसकी जो वाइंडिंग है किस प्रकार की जाती है वो भी अभी आपको बताते हैं। इसकी वाइंडिंग यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 4 स्लॉट बीच में छुटे हैं और 4, 1 से 4 करेंगे। ये सेट हमने बना लिया है, ये सेट है। 25 नंबर तार यूज है इसके अंदर, स्टार्टिंग के अंदर 27 नंबर तार है। 25 नंबर वायर की इसके अंदर टर्न डाली हमने, 1 से 6 के अंदर 42 टर्न है, 42 टर्न 1 से 6 के अंदर, और 1 से 8 के अंदर 80 टर्न है, 1 से 10 के अंदर 85 टर्न है, और 1 से 12 के अंदर भी 85 टर्न डाली हमने। अब सेट किस प्रकार डाला जाता है आपको बताते हैं। सेट को इस प्रकार उठाया जाता है और जो 1 से 6, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ से 1 से 6 के अंदर हम इसको डालेंगे। और भी बहुत सी मोटरों की वीडियो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके देख सकते हो। आधा एचपी मोटर की हाई स्पीड और स्लो स्पीड दोनों मोटरों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये ओसवाल की मिनी मोटर है, वाइंडिंग आपको कंप्लीट बताते हैं। अभी हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको वाइंडिंग करना सिखाते हैं किस पर वाइंडिंग की जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 से 6 के अंदर इस सेट को डालेंगे। ये 7 नंबर शीट है, इसके ऊपर डबल लेयर आएगी 6 वाले सेट के अंदर, और बीच में से 4 छोड़ने में, 1, 2, 3 और 4, 4 छोड़ दिए, छठे के अंदर डाल देंगे 1 से 6 के अंदर। एक से छः में डाल के इसको अच्छे से जमा देंगे इस प्रकार। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1 से 8 वाला सेट डाल देंगे। सेट को इस प्रकार डालना है, इस प्रकार करना है इसको, और आराम से इस प्रकार डालना है, बहुत ही आसानी से इस प्रकार डाल देंगे। और इसके ऊपर 7 नंबर वाइट पेपर का पेपर डाल देंगे, इस प्रकार डाल दिया। अब यहाँ से 1 से 8 के अंदर डालेंगे इसको, इसको भी इस प्रकार करके जमा देंगे नीचे।
ये एक से छः, एक से आठ डल चुका है, अब 1 से 10 के अंदर डालेंगे। एक से दस के अंदर डाल दिए। अब 1 से 10 के अंदर हमने डाल दिया है इसको। एक से दस के अंदर डालने के बाद अब डालेंगे हम 1 से 12, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक से 12 के अंदर डाल देंगे। सेट डाल दिए, ये सेट डाला है। इसी प्रकार इसके सामने यहाँ पर 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8 और 1 से 6 सेट डाल देंगे और इसके बाद हम आपको स्टार्टिंग डाल के बताते हैं। ये 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 बहुत ही आसानी से सेट डलता है। आपको नेक्स्ट सेट वो डाल देते हैं, इसके बाद आपको स्टार्टिंग डालनी बताएंगे। यहाँ पर दूसरी मैन डाल देंगे, मेन के दोनों सेट डाल दिए 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 के अंदर। अब स्टार्टिंग के दो सेट डालने हैं, स्टार्टिंग के दो सेट हैं दो, एक यहाँ पे डालना है, एक इसके सामने डालना है। स्टार्टिंग के सेट जो हमने हरी शीट है, जो 7 नंबर शीट है वो लगाई है, उसके ऊपर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 10, 12 के अंदर डालना है हमें। किस प्रकार डाला जाएगा आपको अभी बताते हैं डाल के। कॉइल यहाँ से एक, वे आपको अच्छे से बताते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 और 10 के अंदर डालेंगे। पहला सेट उठाया और जो हमारा दो स्लॉट इसके अंदर डबल लेयर के अंदर हम डाल देंगे। इस प्रकार ये डाल दिया है, इसके ऊपर पेपर डाल देंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के अंदर यहाँ पर डाल देंगे इसको।
छोटे वाला सिरा छोड़ दिया है यहाँ पे, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ के अंदर डाल दिया। अब ये तीन का सेट है, आठ का डल चुका, अब दस का और बारह का सेट डालेंगे। आठ और दस का डाल दिए, अब सेट बारह का डालेंगे, एक से बारह में। इस प्रकार इसको जमा देंगे। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाते हैं इसको, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ उसके बाद दस और उसके बाद बारह के अंदर हमने ये डाल दिए। इसी प्रकार इसके सामने स्टार्टिंग का दूसरा सेट डालेंगे, उसके बाद इसके आपको कनेक्शन बताएंगे किस प्रकार किए जाते हैं। जिस प्रकार ये स्टार्टिंग डाली थी उस प्रकार ये दूसरी स्टार्टिंग में डाल दी हमने। अब इसके कनेक्शन बताते हैं आपको। जो मेन कोयल है ये वाली जो हमने पहले डाली थी चार दस बारह के अंदर, उन दोनों का जो छोटा सिरा होता है, ये वाले जो जो ये छोटे सिरे हैं, ये वाले जो छोटे सिरे, इन दोनों को आपस में बंद कर देंगे। और जो इनके बड़े सिरे हैं बाहर वाली कोयल के, जो रेड वाले वायर हैं, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार जो स्टार्टिंग का जो छोटे सिरे हैं, इन दोनों छोटे सिरों को आपस में बंद कर देंगे। और जो बड़े सिरे हैं जो एक से बारह वाली कोयल के, उन दोनों सिरों को बाहर निकाल देंगे। ये मेन कोयल है, ये स्टार्टिंग कोयल आपको दोबारा कर बता देते हैं। जो मेन कोयल होती है उनके दोनों छोटों सिरों को आपस में बंद कर देंगे और जो बड़े सिरे हैं उनको बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार स्टार्टिंग के दोनों छोटे सिरों को बंद कर देंगे और मेन वायर बाहर निकाल देंगे।